राजस्थान में भी लगातार सर्दी के तेवर जो है तीखे हो रहे हैं। मौसम शुष्क रहने के साथ ही प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ गलन भी बढ़ गई है। माउंट आबू में मंगलवार को भी तीसरे दिन न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में सीजन का सबसे कम तापमान 0.7 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर को प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है और इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ ही शेखावाटी इलाके में हल्की बारिश होने की संभावना है।